नमस्कार स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से बात कर रहे हैं। टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस रिक्वायरमेंट फॉर जेई। ठीक है, जेई के लिए जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, आपको पता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 12 लाख लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं, उसमें जेई मेंस में 1.5 से 2 लाख लोग सिलेक्ट होते हैं, फिर एडवांस में 30-40 हज़ार लोग सिलेक्ट होते हैं, फिर उसमें कुछ 10 हज़ार सीट्स होती हैं, उसमें भी 5 हज़ार सीट जनरल की होती हैं, एंड बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है जिसके वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स अपना ड्रीम अचीव नहीं कर पाते हैं। राइट, कंपटीशन के अलावा एक और एस्पेक्ट है, एक और चीज़ है जिसके वजह से ड्रीम अचीव नहीं हो पाता है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। जिस वजह से मुझे IIT में सीट नहीं मिली, राइट, जिस वजह से और स्टूडेंट्स को नहीं मिलता, उनका ड्रीम अचीव नहीं होता है, इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, चाहे आप JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हो। ठीक है, एक होता है IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एक होता है EQ इमोशनल क्वेश्चन। अगर आपका IQ स्ट्रांग है, जैसे मेरा IQ स्ट्रांग था, बट अगर आपका EQ वीक है, अगर आप इमोशंस में वीक हो, तो आप अपना ड्रीम अचीव नहीं कर पाओगे। राइट, जैसे मेरा ड्रीम था IIT में पढ़ना, मैं वो ड्रीम अचीव नहीं कर पाया। जैसे तैसे मैनेज करके एक अच्छे कॉलेज में पहुँचा, NIIT त्रिची में पहुँचा, विच इज़ कंपेरेबल टू IITs, राइट, बट स्टिल मन में एक दुख तो रहता ही है, सबके मन में एक दुख रहता है जो ड्रीम होता है वो अचीव नहीं कर पाते हैं तो। ठीक है, कल मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, असम से एक स्टूडेंट है, रब्बानी नाम है उसका, काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है। तो उसने मुझे कहा कि सर, आई हेट गर्ल्स, ठीक, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया गर्ल्स के पीछे, एंड मुझे ना लड़की मिली ना NIIT मिला। उसने IIT का सपना नहीं देखा था, उसने NIIT का सपना देखा था। बोला ना मुझे लड़की मिली ना मुझे NIIT मिला, ठीक, और मुझे ड्रॉप करना पड़ रहा है सर क्योंकि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया, क्यों हर्ट हुआ, क्या स्टोरी है तुम्हारी। तो उसने मुझे बताया अपनी स्टोरी, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसकी स्टोरी सुनकर। ठीक है, वो कहते हैं ना, कुछ लोग पसंद करने लगे अल्फाज मेरे, मतलब मोहब्बत में बर्बाद और भी हुए हैं। राइट, तो मैं भी हुआ हूँ मोहब्बत में बर्बाद, वो लड़का भी हुआ था, वो स्टूडेंट भी हुआ था मेरा, और वो अभी ड्रॉप ले रहा है, मैं अभी फ़िलहाल कॉलेज आ गया। तो उसकी स्टोरी सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि जिन भी लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे, अगर वो मेरे जैसे इमोशनली वीक हैं या थे या आगे कभी बन जाएं, तो उस चीज़ से कैसे डील करें, उस पेन को कैसे वो सक्सेस में बदल पाएं। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं उस स्टूडेंट की स्टोरी बताता हूँ, उस स्टूडेंट की क्या स्टोरी थी। उसकी स्टोरी ये थी कि वो असम से है, असम में काफ़ी कम स्टूडेंट्स का JEE क्लियर होता है, IIT क्लियर होता है, एंड उसके स्कूल में वो इकलौता स्टूडेंट था जिसने ये सपना देखा था, IIT NIITs का सपना देखा था, एंड उसके जो बाकी फ्रेंड्स थे, जो आसपास के लोग थे, वो कहते थे कि तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे लिए अपने बस का बात नहीं है, ये हम लोग नहीं कर सकते, बहुत टफ चीज़ होती है, बहुत टफ कॉम्पिटिशन होता है। बट उसका सपना था कि वो ये अचीव करेगा। फिर क्या हुआ, लड़की दोस्त उसकी, क्लास 5 से वो साथ में थे, उसे प्यार हो गया, उसने प्रपोज कर दिया, ठीक, डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक, लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया, कुछ टाइम बाद मना कर लिया। ठीक है, उसके कुछ टीचर्स को पता चल गया, टीचर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट करा, उसने टीचर्स से काफ़ी लड़ाई करी, लड़की को काफ़ी सपोर्ट करा, बट लड़की ने उसे फ्रेंड जोन करके रखा हमेशा। पहले एक्सेप्ट कर लिया, फिर बोली कि नहीं मैं बाद में बताऊंगी, अभी फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक, और वो उस बात का इंतज़ार करता रहा। फिर पढ़ाई एक तरफ हो गई और उसके डिस्ट्रैक्शंस एक तरफ हो गए। ठीक, जिस लड़के का ड्रीम था, राइट, वो लड़का कोई छोटा मोटा लड़का नहीं है। ठीक, जब आसपास के लोग ये सोचते हैं कि आप जो सोच रहे हो वो ना हो पाए, और आप वो सोचते हो जो आसपास के लोग सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता, तो आप में कितनी कैपेबिलिटी है आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं मानता हूँ कि जिस बैकग्राउंड से वो है, जहाँ पर वो था, जहाँ पर उसने वो डिसीजन लिया था, जहाँ उसने पढ़ाई स्टार्ट करी थी, राइट, वो टॉपर्स में आने लग गया था, उसके टीचर्स हैरान रह गए थे कि उस रीजन में कोई इतना अच्छा पढ़ाई कर सकता है, बट उस लड़की के पीछे उसने टाइम बर्बाद कर दिया। फिर
उसने कहा, मैंने पूछा कि फिर आगे क्या हुआ, तो उसने मुझे पूरी स्टोरी बताई। उसने कहा कि आगे, उसने कहा कि बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे दोस्त थे वो लोग। उस लड़की के घर में कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, उसके पेरेंट्स का डेथ हो गया था, उसके मॉम का डेथ हो गया था। तो लड़का सुबह 4 बजे गया उसकी हेल्प करने के लिए, कुछ इश्यूज थे, पुलिस स्टेशन गया, काफ़ी हेल्प करा। डिप्रेस थी लड़की, वो अपने दोस्तों को लेके जाता था उसके घर, उसे हंसाने के लिए हर रोज़ लेके जाता था, और दोस्तों के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी वही उठाता था ताकि वो खुशी खुशी जा पाए, ठीक है। लड़की डिप्रेस ना हो तो वो कॉल करती थी किसी से बात करने के लिए, मिस्ड कॉल देती थी, उसके पास बैलेंस नहीं होता था। तो इसने अपने दोस्तों को कह रखा था कि तू कॉल बैक करके उसको, उससे बात कर लेना, बोर हो तो मुझे कॉन्फ्रेंस में रख लेना, मैं उसे हंसा दूंगा। एंड ये उनके बैलेंस भी भराता था, फ़ोन के बैलेंस, ताकि वो उसको कॉल बैक कर सके। मतलब उस लड़के ने सब कुछ किया लॉयली लड़की के लिए, सब कुछ किया। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करता था। उसने मुझे बताया कि सिर्फ मुझे गर्लफ्रेंड नहीं बनाना था उसे, मुझे उससे आगे शादी भी करनी थी, मुझे वो बहुत पसंद थी। फिर क्या हुआ, वो क्या करता था, कैंटीन में जाके मिलता था उससे, बायोलॉजी क्लास में कभी कभी जाके बैठता था, बायो नहीं थी उसकी, कभी कभी बायोलॉजी क्लास में जाके बैठता था ताकि उसे देख पाए, ठीक, बहुत प्यार करता था। एंड पढ़ाई पूरा चौपट। फिर क्या हुआ, लड़की जब डिप्रेशन से बाहर आई तो उसने सोचा कि मैं इससे बात नहीं करूँगा, तो उसने क्या, लड़की से बात करना ही छोड़ दिया, ठीक। तो उसने 40-50 दिन बात नहीं करी उससे, बट फिर उसने कहा कि सर क्या करें, सर हम भी लड़के हैं, मन कहाँ संभलता है हमारा, ठीक है। तो उसने वापस से फिर बात करने शुरू कर दिए, लड़की के चेहरे में खुशी आ गई, तो लड़की भी काफ़ी दुखी थी कि वो बात नहीं कर रहा है करके। तो फिर उसने बात करना शुरू कर दिया, और क्योंकि लड़की बहुत खुश थी तो उसने उससे वापस पूछा नहीं कि डू यू स्टिल लव मी और वी विल स्टे एज फ्रेंड्स, उसने ये टॉपिक वापस लाया नहीं उसके सामने। बट फिर 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे थे, ना उसकी पढ़ाई ठीक से हुई, ना इस चीज़ में वो आगे बढ़ पाया, राइट, ना पढ़ाई मिली, ना लड़की मिला, ना लड़की मिली। तो उसने फिर फाइनली सोचा कि उससे पूछ ही लेता हूँ कन्फर्म कि फीलिंग्स है या नहीं है, कि बीच में रहने में तो ठीक नहीं है। तो उसने पूछ लिया, उसने कहा कि मैं अभी नहीं बताऊँगी, अपने बायोलॉजी एग्ज़ाम के बाद बताऊँगी, बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो लड़की ने कहा कि बायोलॉजी एग्ज़ाम के बाद मैं बताऊँगी। ये क्या करता था, रोज़ उसकी हेल्प करता था एग्ज़ाम्स के बीच में, बोर्ड एग्ज़ाम्स के बीच में, अपनी पढ़ाई छोड़ के उसकी पढ़ाई में हेल्प करता था। लड़की कहती थी कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी, मुझे कुछ नहीं आता, ये उसे पढ़ाता रहता था अपनी पढ़ाई छोड़ के। और ऐसा सबने किया है, मतलब आशिकों ने तो किया है, मैंने तो किया है, बहुत ज़्यादा किया है। मैं अपनी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, शायद मूड होगा तो इस वीडियो के एंड में अपनी स्टोरी भी थोड़ी बता दूंगा, बट अब मूड नहीं है। इसकी स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, थोड़ा रिलेटेड लगा, मैंने फील किया कि आज मैं भी इतना कुछ कर रहा हूँ, इस पोजीशन में पहुँचा हूँ, आप लोगों के लिए हेल्प कर रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं एक दिल में दर्द रहता है कि यार और कर सकता था, IIT मिल जाता, अगर IIT भी मिल जाता, मान लो 1-2 हज़ार रैंक आ जाती और ये सब चीज़ करा रहता, तो एक मन में रहता कि शायद टॉप मार सकता था, इन सब चीज़ की वजह से नहीं मारा। उसने भी यही कहा कि सर आई जस्ट हेट गर्ल्स, गर्ल्स कभी सीरियस नहीं होती है, वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए होती है, वो इतना सीरियस लेती ही नहीं है, सबके लिए टाइम पास है, अब मुझे कुछ मतलब नहीं है गर्ल्स से। बोला कि अब मैं पहले डिज़र्व करूँगा, कुछ बनूँगा, फिर डिज़ायर करूँगा किसी भी चीज़ का। तो मैंने उसे तो कह दिया कि हाँ सही बात है, बट अभी मैं उसको ये बात कहना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि बेटा तू डिज़र्व करता था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तू कुछ नहीं था, अगर तू डिज़र्व नहीं करता तो वो तेरे साथ इतना टाइम स्पेंड ही नहीं करती, है ना, है ना। मूड स्विंग्स हो जाता है, इंसान को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट तू डिज़र्व करता था, आगे जाके तो और अच्छा डिज़र्व करेगा, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि तू लॉयल है, ठीक है। जो अच्छे इंसान होते हैं ना, जो अच्छे इंसान होते हैं वो दूसरों को कभी डिस्ट्रॉय करने का नहीं सोचते, ठीक। जैसे कुछ लोगों ने मुझे डिस्ट्रॉय किया, करने का सोचा, सक्सेसफुल भी हुए, मैं डिस्ट्रॉय भी हुआ, ठीक। आज वो अगर ये वीडियो देखेंगे तो सोचेंगे कि यार वो जीत गए, बट एक्चुअल में ना हम डिज़र्विंग थे, मैं डिज़र्विंग था, वो जो मेरा स्टूडेंट है वो डिज़र्विंग था,
तभी उन्होंने हमारे साथ इतनी टाइम स्पेंड करी। अब सोचो आज से आगे जाके 10 साल बाद वो कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, मैं कहाँ होऊंगा, मेरा स्टूडेंट कहाँ होगा, एंड वो लड़कियाँ जिन्होंने हमें हर्ट किया वो कहाँ होंगी, चाहे किसी भी तरीके से हो, हमारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे उन्होंने फ्रेंड जोन किया हो, चाहे अचानक बात करनी बंद कर दी हो, कैसे भी हो, सोच के देखो क्या वो कभी खुश रह पाएंगे। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेल, क्योंकि मैंने जो फील किया है वही मैं बता रहा हूँ। इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो, ठीक, कोई लड़का भी चीट कर सकता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, ठीक है, इट कैन बी वाइस वर्सा एनीथिंग, ठीक। फिर उस स्टूडेंट की कहानी ये थी कि वो बायोलॉजी एग्ज़ाम तक का वेट करा, फिर उसने क्या करा, बायोलॉजी एग्ज़ाम के बाद उसे फ़ोन करा, ठीक है, फर्स्ट डे फ़ोन करा, फ़ोन स्विच ऑफ, सेकेंड डे फ़ोन करा, फ़ोन स्विच ऑफ, थर्ड डे फ़ोन करा, फ़ोन स्विच ऑफ, फोर्थ डे फ़ोन करा, फ़ोन स्विच ऑफ, फिफ्थ डे लड़की के किसी दोस्त का फ़ोन आया, मतलब जो म्यूचुअल दोस्त थे, लड़की उसे अपना भाई मानती थी और ये उसका दोस्त था, उसने इसको फ़ोन करा और बोला कि यार वो तेरे से बात नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके गाँव में 4-5 दिन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसीलिए उसका फ़ोन चार्ज नहीं है तो वो तेरे से बात नहीं कर पा रही है। लड़का बोला ओके, मतलब जो रब्बानी था वो बोला ओके, मन मन में सोचा यार लड़की ने उसको फ़ोन करके ये बात बताई मेरे को बोलने के लिए, तब कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ गया, और जब इलेक्ट्रिसिटी आ ही गया था तो डायरेक्ट मेरे को ही बता देती। इसी को कहते हैं फ्रेंड जोन करना, और कुछ नहीं। तो वो डिप्रेस हुआ काफ़ी, फिर काफ़ी टाइम बाद फिर उसने बात करी, लड़की ने फाइनली उससे बात करी, तो उसने फिर फाइनली पूछ ही लिया कि अब क्या करना है। तो लड़की ने फिर फाइनली लास्ट में जाके, जब सब कुछ उसका करियर ख़त्म हो गया था, 1.5 से 2 साल ख़त्म हो गया था उसका, उसने पढ़ाई वढ़ाई सब ख़त्म हो गया था, बस मन में एक था कि NIT जाना है, IIT जाना है, तब उसने उसे बताया कि आई डोंट हैव फीलिंग्स फॉर यू, जब लड़के ने हर टाइम उसका सपोर्ट